we do that again? Yes. Yes. We bring our hands together and we put them in our lap. Okay, ab sab mere saath bolenge, theek hai? We bring our hands together and we put them in our lap. ठीक है? ओके? और अगर हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे हाथ हमें खोलने हैं तो हम दोबारा से क्या करेंगे? We bring our hands together and we put them in our lap. ठीक है? तो अगर स्टोरी बहुत लंबी हो जाए तो आप ऐसे हाथ करना होगा कि अभी मुझे ब्रेक लेना है, फिर हम स्टोरी को रोक देंगे, फिर हम दोबारा से ये करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से स्टोरी शुरू करेंगे. ठीक है? ओके? और किसी को अगर कोई चीज़ याद आ जाए, अरे मुझे ये वाली बात याद आ रही है, ये वाली बात याद आ रही है, तो क्या करेंगे हम? ऐसे हाथ उठाएंगे. मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ बताना है. क्या बोलेंगे? मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ बताना है. ठीक है? एक्सक्यूज भी कह देंगे. ठीक है, ये भी ठीक है. एक्सक्यूज भी कह सकते हैं और मुझे कुछ बताना है ऐसे भी कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन जब स्टोरी कोई सुना रहा होगा तो उसको क्या करेंगे? पीछे बात नहीं करेंगे. क्लोज रखेंगे और वी पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड वी पुट देम इन आवर लैप. ठीक है, अब बैठेंगे कैसे? क्रॉस लेग. वेरी गुड. लेट्स सी ऑल ऑफ यू सिटिंग क्रॉस लेग नाउ. जब अगर दिल चाह रहा हो ना बहुत बोलने का तो क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी. ठीक है ना? तो अब क्रॉस करिए लेग्स. हाँ, अभी भी किसी सबने क्रॉस नहीं किए हैं लेग्स. क्रॉस लेग चेक करें आपके सबके फ्रेंड्स के क्रॉस लेग हैं. अपने फ्रेंड्स को देखें. बस आप उनको, मुझे नहीं बताया, आप उनको कहिए क्रॉस लेग करें. क्रॉस लेग, क्रॉस लेग, जैसे सबने क्रॉस लेग किया. वही क्रॉस लेग कैसे करते हैं? ऐसे. अच्छा, अब मैं बोलूंगी 1 2 3 लुक एट मी. नहीं, मैं बोलूंगी 1 2 3 लुक एट मी. और आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 1 2 लुक एट यू. क्या बोलेंगे? 1 2 लुक एट यू. यू मुझे देखेंगे आप ऐसे. ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी 1 2 3 लुक एट मी. One, two, three, look at you. One more time, let's try. 1 2 3 look at me. 1 2 look at you. 1 2 3 look at me. 1 2 look at you. I say, close it. You. ठीक है? 1 2 3 look at me. 1 2 look at you. Very good. One more time. 1 2 3 look at me. 1 2 look at you. चले पहले हम अपना करें वापस. ब्रिंग योर हैंड्स टुगेदर, पुट देम इन योर लैप. ठीक है, अभी लिसनिंग बॉडीज ऑन. लिसनिंग बॉडीज यानी आपको मेरी आवाज आ रही है? सारी जगहों से आवाज, यानी यहाँ से भी आवाज आनी चाहिए, यहाँ से भी आवाज आनी चाहिए, आंखों से भी आवाज आनी चाहिए, शोल्डर से भी आवाज आनी चाहिए. पूरी बॉडी मेरी तरफ देख रही है और पूरी बॉडी मुझे सुन रही है. ठीक है, लिसनिंग बॉडीज ऑन. आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, 1 2 3 ओके. अब मेरी आवाज सुनो.
आपको मेरी आवाज आ रही है? बाबा है, किसी की मम्मा है, किसी के पास नानी होती है, किसी के पास दादी होती है, किसी के पास नानी नहीं होती है, अल्लाह मियां के पास चली गई होती है, नानी सबके, किसी के पास दोनों होते हैं, नानी भी होती है, दादी भी होती है, दादा भी होते हैं, नाना भी होते हैं, किसी के पास दादा नहीं होते, किसी के पास नाना नहीं होते, हर एक के पास अल्लाह मियां ने अलग अलग मजे मजे की चीजें दी है ना। तो अब मेरी मम्मा, अब सब मेरे साथ बोलेंगे ठीक है, मेरी मम्मा मेरी है। अच्छा आपकी मम्मा मेरी मम्मा है? नहीं। मुझे दे दो ना आपकी मम्मा, मैं उनको अपनी मम्मा बना लूं, ऐसा हो सकता है? नहीं। अच्छा, मुझे आपकी मम्मा मुझे दे दो। ठीक है ले लो, तो मैं उनको अपने घर ले जाऊं? मैं आपकी मम्मा ले आपकी मम्मा क्या मुझे दिखाएं? अच्छा तो आपकी मम्मा तो आपकी मम्मा है ना, मेरी मम्मा तो नहीं हो सकती वो, है ना? तो फिर आप खुद कह रहे हो मैं आपकी मम्मा बन, आप मैं आपकी मम्मा बन जाऊं? ठीक है सही है, मुझे आप अपने घर ले जाएं, तो मैं मम्मा बन जाऊं। हां ये हो सकता है। तो अब हम कहेंगे मैं, अच्छा ये बताएं किस किस के पास मम्मा है? चलिए हाथ रेज करना है, हाथ रेज करना। मेरे पास मम्मा,
ठीक है, हाथ नीचे हाथ नीचे। अब हम सब बोलेंगे मेरी मम्मा मेरी है। चलो, मेरी मम्मा मेरी है। अब आगे सुनो, ठीक है? आगे पहले मेरी पूरी बात सुनो। मेरी मम्मा मेरी मम्मा मेरी है, इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी है। बोले जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है? हाँ, तो आपकी मम्मा आपकी जिम्मेदारी कैसे होगी? इसका मतलब है कि जिसकी भी जिम्मेदारी होती है हम उसका ख्याल रखें, ठीक है? मेरी मम्मा मेरी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? हाँ, मेरी मम्मा मेरी जिम्मेदारी है, आपकी मम्मा आपकी जिम्मेदारी। अभी हम आपकी मम्मा से पूछते हैं, ठीक है? अब मम्मा से हम पूछते हैं, आप बोले मेरी बेटी मेरी है, अच्छा चले अब आ जाए, अपने छोटे छोटे हाथ दिखाएं मुझे। मेरे हाथ मेरे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। मेरी नाक मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे पांव मेरे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा अब ये बताएं, जो बाहर इतने सारे ट्रीज हैं, जो दरख्त हैं इतने सारे, वो हमारे हैं? जिम्मेदारी है। ये
अच्छा ठीक है, अब मैं खोल रही हूँ, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ठीक है ओके। देखें ये किसने लिखी है ये कहानी, ये कहानी लिखी है अशहद ने। किसने लिखी है? अशहद। इसके राइटर है। राइटर किसको बनना है? किताब किसको लिखनी है बड़े होकर? किताब लिखी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अशहद जो है इन्होंने ये किताब को लिखा है, ठीक है। तो हम इसकी स्टोरी सुनते हैं। किताब का क्या नाम था जल्दी से कौन बताएगा? मैं जब मेरी बुढ़ी अम्मा को अभी चश्मा पहनना पड़ेगा, नानी माँ और दादी माँ की तरह मुझे बनना नज़र ही नहीं आएगा ऐसे करके। अब मुझे नज़र आ रहा है। आइए मिलते हैं सारा से। इसका नाम है सारा। इसका किसी का नाम है सारा या नहीं? मेरी बहन का नाम है सारा। आपकी बहन का नाम है सारा? किसी और को बहन का नाम है सारा? किसी की मम्मा का नाम है सारा? नहीं। मेरी बेटी का नाम भी सारा। आप भी किसी की बेटी है ना? मेरी भी एक बेटी है, ठीक है। मेरी बेटी मेरी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसका नाम भी सारा है, ये मतलब ये दूसरी सारा है, ठीक है। तो इसका नाम है सारा। आइए सारा से कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, जिन होता ही नहीं। नकली होते हैं, कुछ भी नहीं होता है जिन, कुछ भी नहीं होता है। अल्लाह ताला हर जगह है, हमारे हमसे प्यार करते हैं अल्लाह ताला, हर जगह अल्लाह ताला। सब नकली होते हैं जिन, अगर भूत होते तो अल्लाह ताला नहीं होते। हर तरफ अल्लाह ताला, हर जगह प्यार, जहाँ भी हम देखते हैं प्यार। भाई बबलू के साथ रहती है, इसके छोटे भाई का नाम है बबलू, ठीक है। अपने अम्मी अब्बू और अपने छोटे भाई के साथ रहती है। हम थोड़ा सा वेट कर ले, लाइट आ जाए। बहुत सारी बातें करती है और वो सब मिलकर खेलते हैं झूलों के ऊपर, बॉल के साथ, खिलौनों के साथ, जैसे आप लोग अपने स्कूल में खेलते हैं। फ्रेंड्स होते हैं ना, सारा को अपनी टीचर, आपकी भी टीचर है ना, सारा को अपनी टीचर बहुत अच्छी लगती है। और सारा की टीचर का नाम है मरियम आपा। क्या नाम है? मरियम आपा। आपके टीचर का क्या नाम? और सारा मरियम आपा। तो मरियम आपा क्या पढ़ रही हैं? आइए देखते हैं वो आज क्या पढ़ा रही हैं सारा को। अब मरियम देखो सारा क्या बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम मरियम आपा। आप लोग सलाम करती हैं? अस्सलाम वालेकुम मरियम आपा। अब देखो मरियम आपा क्या सुना रही है। देखिए मरियम आपा कह रही हैं, बच्चों गौर से मेरी बात को सुनना, गौर से। बच्चों आज मैं आपको सेहत और तहफ्फुज के बारे में बताऊंगी। सेहत का मतलब है हेल्दी, हेल्दी रहना। तहफ्फुज का मतलब है सेफ रहना, अपने आप को बचा बचा के रखना हर एक से। उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये इन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है सेहत और तहफ्फुज। सेहत और तहफ्फुज, ठीक है जी। सेहत को ऐसे करें, सेहत तहफ्फुज, ये बोले सेहत तहफ्फुज, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? सेहत करके लिख रहे हैं सेहत तहफ्फुज। वेरी गुड। वो ये पढ़ा रही हैं हमारे जिस्म की सेहत, हमारी मुकम्मल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। आप हेल्दी नहीं होंगे अगर आपने अपनी हिफाजत नहीं की। हिफाजत दिखाइए, तहफ्फुज़ दिखाइए मुझे। तहफ्फुज़, तहफ्फुज़। जब आप अपना तहफ्फुज़ करेंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्या बोल रही हैं मरियम आपा? मरियम आपा कह रही हैं, तो बच्चों कोई बता सकता है आप लोगों में से के सेहतमंद जिस्म के लिए क्या क्या जरूरी है? वेरी गुड। और दूध, वेरी गुड। और बनाना, देखे मम्मी, देखे सारा, सारा भी बता रही है। ये देखिए सारा कह रही है फ्रूट, वेरी गुड।
सारा कह रही है दूध, अच्छा सारा कुछ और भी कह रही है, अच्छा खाना खाना, वर्जिश करना, वर्जिश और साफ सुथरा रहना। आप लोगों से कितने लोग नहा के आए आज, साफ सुथरे लेकर आए सब? अपने आप को सुनिए, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। तो सारा कह रही है साफ सुथरा रहने से भी हम हेल्दी और सेफ सेफ हो जाते हैं। ठीक है, अब मरियम आपा क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक सारा, शाबाश, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि कौन हमें कहाँ छुए उससे भी हमारी सेहत को फर्क पड़ता है? क्या कह रही है वो? क्या आपको मालूम है कि हमें कौन कैसे हाथ लगाता है उससे भी हम अनहेल्दी हो जाते हैं? मामा पापा। नहीं, अगर कोई आपको बहुत जोर से अगर खींचे तो दर्द होता है ना, तो फिर हम उदास हो जाते हैं, आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। और कोई अगर हमें थप्पड़ लग मार दे तो आंसू निकल, कोई धक्का दे दे तो आंसू निकल, दुखी हो जाते हैं ना। तो मरियम मामा कह रही है हमें कौन कैसे हाथ लगाता है इससे भी हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ख्याल करना है। ठीक है, हमें ख्याल करना है कि कौन हमें कैसे हाथ लगा रहा है। ठीक है, हमारे जिस्म के चार ऐसे हिस्से होते हैं जिसे किसी को भी हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं। बाबा मम्मा को, पापा को, या नानी को, या कभी कभी डॉक्टर को, जब डॉक्टर चेक करता है ना पेट ऊपर करके फिर चेक करता है। लेकिन डॉक्टर भी कब हाथ लगाएगा? जब मम्मा साथ में खड़ी हुई, अकेले में कभी भी नहीं। तो हम वो सीखें, हम सीखें कि हमारे जिस्म के कौन से चार हिस्से होते हैं जिसको हाथ लगाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। देखें सनापी क्या बना रही है, सनापी बच्चा बना रही है ना। अभी सनापी आपको बताएंगी कौन से वाले हिस्से होते हैं जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते। ये क्या है? हमारा, हमारे लिप्स, हमारे लिप्स के ऊपर हमें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता सिवाय उसके जिस पे हम भरोसा करते हैं। आपको भरोसा है? किस पर भरोसा है आपको? भरोसे का क्या मतलब है? जिससे आपको डर नहीं लगता। किस पे भरोसा है आपको? वेरी गुड। आपको किस पे भरोसा है? मम्मा पर, बाबा पर। आपको किस पे भरोसा है? डैड के ऊपर। डैड पर, अच्छा आपको ऊपर। और किसी को नानी माँ पे भरोसा है? किसको दादी माँ पे भरोसा है? अच्छा किसको खाला पे भरोसा है? अच्छा किसको मामू पे भरोसा है? अच्छा किसको टीचर पे भरोसा है? अकेला भरोसा है कि उनसे डर तो नहीं लगता? डर तो नहीं लगता। ठीक है, तो जिन पे आपको भरोसा है सिर्फ वो आपको हाथ लगा प्यार करती हैं। खाला प्यार करती हैं, यहाँ प्यार करती हैं, यहाँ प्यार करती हैं, यहाँ प्यार करती हैं, यहाँ पे नो नो। ठीक है, वरना हम बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी जगह कौन सी? ये वाली जगह, ये ऐसे हाथ रखें, हमारा सीना, हमारा सीना, इस पे भी कोई हाथ नहीं लगा सिवाय मम्मा के। जब वो नाव नाव कराती हैं आपको, नहलाती है मम्मा, फिर धोती है आपको, उनको अलाव है, बस कोई भी हाथ नहीं लगाता। ठीक है, और हमारा ये वाला पार्ट जहाँ पे हम अपनी पैंटी पहनते हैं ना, हम पैंटी है ना, उस जगह पे भी कोई हाथ नहीं लगाता जहाँ पे हम अपनी पैंटी पहनते हैं, यहाँ पर और पीछे हमारे बटक्स पर, इस पे भी कोई हाथ नहीं लगाता। नो नो, अगर कोई भी आपको इन जगह पे हाथ लगाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप चीख मारेंगे। कैसे चीख मारेंगे? जोर से और जोर से करें ना। आप बोलेंगे नहीं, जोर से ठीक है। अच्छा, अब मैं सुनती हूँ कितना जोर से कोई बोल सकता है। अगर कोई आपको यहाँ पर सीने पर या जहाँ हम अपनी पैंटी पहनते हैं उधर हाथ लगाएंगे तो हम कैसे चीख मारेंगे? आप हाँ कैसे करेंगे? और जोर से, और फिर नहीं कर कर हम भाग जाएंगे। कैसे? तेज से और भाग।
भाग कर किसके पास जाएंगे? वेरी गुड, जिसके ऊपर हमको जिसपे हमको भरोसा है। तो अब मेरा जिस्म, वेरी गुड, ये मेरी जिम्मेदारी है, वेरी गुड। और कौन सी चार जगहों पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, कौन बताएगा मुझे? कौन 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 बताएगा, इधर आके कौन मुझे बताएगा? आ जाओ जल्दी से। आपका नाम क्या है? हानिया। हानिया बताएंगी के कहाँ पे कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा, बताएं। कोई को बताएं दोस्तों, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा मेरे मुंह पर, और मेरे मुंह पर कोई नहीं हाथ, कोई भी नहीं लगाएगा। और मेरी जिम्मेदारी है, मेरा जिस्म, बिल्कुल। यहाँ पे मेरे चेस्ट पर भी कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। और जहाँ मैं अपनी पैंटी पहनती हूँ, यहाँ पर भी कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। और अगर कोई हाथ लगाएगा तो आप क्या करेंगी? जोर से करके बताएं, क्या बोलेंगी आप? क्या बोलेंगी? क्या बोलेंगी? नहीं, जोर से, जोर से, कितनी जोर से बोल सकती हैं? मम्मा को पहचान नहीं रही है शायद। पहले आप बताएं। मेरा जिस्म, मेरी जिम्मेदारी है। ही गुड। अब कौन सी चार जगहों पे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, उनको बताएं फ्रेंड्स को। यहाँ पर कोई हाथ नहीं लगाएगा वरना बीमार हो जाएंगे। वेरी गुड। और कहाँ पे नहीं लगाएगा हाथ कोई? यहाँ पर कोई बहन पहनते है, यहाँ पर भी हाथ नहीं। और यहाँ पर भी हाथ नहीं वरना अपन बीमार हो। वेरी गुड। और अगर कोई हाथ लगाएगा तो हम क्या करेंगे? भागेंगे। नहीं, पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? सीखेंगे। बोल, क्या बोलेंगे? नहीं, जोर से, और जोर से, नहीं। और भाग कर कहाँ जाएंगे? मम्मी के। कितनी तेज भागेंगे दिखाएं? मम्मा कहाँ हैं? जल्दी से भाग कर, भाग कर, भाग कर। और कहाँ पे कोई हाथ नहीं लगा सकता? और वेरी गुड। और कोई हाथ लगाएगा तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, और जोर से, नहीं, और जोर से, नहीं। और फिर क्या करेंगे? भागेंगे। कहाँ भागेंगे? जल्दी से, जल्दी से भागो, 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 जल्दी से। मेरा जिस्म, मेरी जिम्मेदारी है। और कहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता? यहाँ पर पैन पे। और जाकर मेरा सीना, जाकर मेरा सीना। और नहीं। और अगर कोई हाथ लगाएगा तो क्या करेंगे? नहीं। आप देखिए सारा ने क्या किया, लगा सकता है इन चार जगहों पे, तो सारा तो रोने लग गई। सारा को क्या हो गया? सारा रो क्यों रही है? सारा ने रोकर कहा, अगर आपको कोई इस तरह छुए तो आपको डर लगता है, अगर किसी को मारे तो उसको भी डर लगता है, वो मम्मी पापा के पास भाग के चला जाए। अगर कोई इन चार जगहों पे हमें हाथ लगाता है तो हमें डर लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें आंसू भी आते हैं, हमें रोना भी आता है। तो फिर क्या करूं, फिर क्या करें हम? लेकिन याद रखना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई आपको मारता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
चले सब लोग बोले इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा मरियम आपा फिर हमें क्या करना चाहिए? अरे सारा अपनी मरियम आपा से पूछ रही है मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं ना सारा को, आपको तो पता है क्या करना चाहिए। अगर कोई क्या करना चाहिए भागने से पहले और फिर भाग कर अपनी मम्मा के पास या जिस पर आपको भरोसा है, अगर आपकी आंटी वहाँ हैं, अकेला आप ही वहाँ पे हैं, उनके पास भाग के चले जाएंगे मुझे किसी ने गलत जगह पे हाथ लगाया है, ये नो नो क्या होता है, ठीक है सही है। अब जरा सोच के बताएं आपको किन लोगों पे भरोसा है। चल अभी आप और सारा कह रही है मुझे अपनी अम्मी पे भरोसा है, ठीक है मुझे अपनी नानी पे भी भरोसा है, लेकिन मरियम आपा अगर कोई भाग ना सके, अरे एक बच्चा पूछ रहा है अगर वो भाग नहीं सके तो, अगर कोई मुझे पकड़ ले और मैं भाग भी नहीं सकूं, मैंने चीख भी मारी लेकिन मैं भाग ही नहीं सक रहा, किसी ने मुझे पकड़ लिया तो क्या करेंगे? मम्मी पापा को आवाज़ देंगे जोर से। और क्या करेंगे? देखो ये तो एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, अगर कोई आपको ऐसे पकड़ ले तो आप ऐसे करना कि जैसे आपको दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, आप रोना शुरू कर दो, तो वो जिसने आपको पकड़ा है ना वो डर जाएगा, वो डर जाएगा, जैसे ही वो पीछे हो जाए आप क्या करेंगे? मम्मा के पास चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता ऐसे, कोई भी आपको पकड़ नहीं सकता ऐसे, ठीक है। अच्छा आपके आपको कभी किसी ने ऐसे हर्ट किया है? कभी भी नहीं, नहीं किया है। ओके और अगर करेगा तो आप किसको बताएंगे? मम्मी पापा। इस पे आपको बिल्कुल मम्मा पापा है, नानी है, नाना है, मामू है, जिस पे भी आपको भरोसा है, ठीक है उसको आप बताएंगे, ओके ठीक है सही। इनकी तो छुट्टी हो गई स्कूल की, हमारे पापा ने पूरी बात उनको समझा दी, अब बच्चों को सारी बात समझ आ गई कि हमें नहीं बोलना है और भागना है। अब घर पे जब जाती है सारा, सारा जब घर पे जाती है तो इसके बाबा इससे पूछते हैं तो सारा आज आपको स्कूल में क्या पढ़ा, तो सारा ने अपने बाबा को बताया कि आज मरियम पापा ने हमको क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सहज और तहफ्फुज़। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? सहज और तहफ्फुज़। फिर आज आप घर जाएंगे तो आपके बाबा आपसे पूछेंगे आज आपने क्या पढ़ा, तो आप बाबा को सुनाएंगे सब बात, सुनाएंगे ना कि आज हमने क्या पढ़ा, सहज और तहफ्फुज़, और मैंने क्या पढ़ा, मेरा मेरा जिस्म मेरी जिम्मेदारी है, वेरी नाइस। बात समझ आ गई आज? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब आप मुझे बताएं, ये देखो सर्कल बनाओ, ठीक है सर्कल, ये सर्कल बनाओ। अब इस सर्कल के अंदर वो सारे लोग होंगे, ये सर्कल मैं अपनी बॉडी से बनाऊं, देखो ये मेरा हाथ है ऐसे, अब ये देखो मेरा हाथ है, मैं ऐसे सर्कल बनाऊं, सर्कल, ये सर्कल बन गया ना, सर्कल बना लिया ना मैंने, देखो अब मेरे सर्कल के अंदर कौन लोग रहते हैं जिन पे मुझे भरोसा है, ठीक है। तो हम आपको देंगे पेपर और आप अपने सर्कल के अंदर अपनी मम्मा के साथ उनका नाम लिखेंगे जिन पे आपको भरोसा है, आपकी मम्मा लिखेंगी, आप मम्मा को बताएंगे, मम्मा इनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है ये खुद बताएंगे कि इनको किस पे भरोसा है। जब वो कहें बाबा तो आप लिखेंगे बाबा, अगर वो कहें मम्मा, मम्मा, अगर वो कहें नानी माँ तो नानी माँ, अगर वो कहें अकेला आप ही, ठीक है तो आप हमको नहीं बोलेंगे कि मामू का नाम लिखो, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है सही है। तो हर कोई अपना पेपर लेके और अपनी मम्मा के पास जाए, चलो नहीं अम्मी लिखना है बस, नाम नहीं लिखना, दे मुझे दे, वेट, चल आपको दो,
मुझे मिला है। आपको मिल गया?